हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी ज़्यादा मैचेस हैं नहीं, ठीक है। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपका वुमेंस का एशिया कप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये अच्छे टूर्नामेंट रहेंगे, टोटल 60 टीमें हैं। आप ये शेड्यूल देख सकते हो, लगभग आपको हर रोज मैच मिल जाएंगे, दो दो मैच आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सुबह के ही टाइमिंग से स्टार्ट हो जाएंगे। बांग्लादेश में है, चाहते तो रात में भी रख सकते थे बिकॉज बांग्लादेश इंडिया के टाइमिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बट इन्होंने दोपहर में रखा, ठीक है। तो सुबह में और दोपहर में आपको 1 बजे और सुबह में आपके 8:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, टोटल 60 टीमें हैं, ठीक है। तो ये मैच आपको स्टार स्पोर्ट्स और डिजनी प्लस हॉटस्टार में लाइव दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि लास्ट टाइम जब भी आपका कॉमनवेल्थ हुआ था तो सिर्फ इंडिया के मैच लाइव आ रहे थे, बाकी मैच लाइव नहीं आ रहे थे। तो वो देखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से देना चाहिए। एक अच्छा टूर्नामेंट है, टीमें बराबरी की हैं। अगर मैं बता दूं तो देखिए, इंडिया देखिए जो टॉप 4 पे रहेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा और नीचे की 3 टीम निकल जाएगी। डायरेक्ट सेमीफाइनल होगा, इसमें कोई क्वालिफायर वगैरह नहीं है। अब फिर जो आपस में मुकाबला होगा, पहले चौथे का, दूसरे तीसरे का, जो भी जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। तो इंडिया तो चली जाएगी, ठीक है। जो दूसरी टीम रहेगी वो आपकी, बाकी सारी टीमें एक तरह से अगर आप देखोगे ना तो इक्वल है, ठीक है। आप अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान में ढूंढने बैठोगे कि कौन सी टीम स्ट्रांग है, तो तीनों ही एक बराबर टीम है, जहां तक मैंने समझा है। T20 में, T20 की बात ऐसी होती है कि यहां प्लेयर्स ये सब जो, देखिए सबसे पहले बांग्लादेश में मैच हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं, 120 तक का स्कोर आपको मिलेगा, ठीक है। उससे भी नीचे मिलेगा, 100-120 तक का मिलेगा और वो भी डिफेंड होते मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बांग्लादेश अगर बॉलिंग पे, पहले बैटिंग पे आ रही है तो आपको डिफेंड करते कुछ भी दिखेगी बिकॉज उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान की भी बॉलिंग अच्छी है, और बात आती है आपकी श्रीलंका की, तो वो डिपेंड करते हैं 2-3 मेन प्लेयर्स पे, चाहे चमारिया अट्टापट्टू हो और एक आधा प्लेयर और है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले भी बताया, पुराना वीडियो बनाया है। और बाकी जो 3 टीमें हैं, थाईलैंड से अच्छा प्रदर्शन आप उम्मीद कर सकते हो, वो हाल ही में उन्होंने क्वालिफाई किया है आपका, अभी जो हाल ही में क्वालिफायर हुआ था उसमें वो आपके 4th नंबर पे हालांकि रहे थे, उनका क्वालिफिकेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपकी थाईलैंड मिल जाएगी आपको, और बाकी जो 2 टीमें हैं उससे आप कुछ उम्मीद मत कीजिएगा, मलेशिया और UAE से। मैक्स टू मैक्स कुछ नहीं होने वाला, बट सिंस ये मैचेस सब सारे के सारे बांग्लादेश में हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन देखने मिलेगा। ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। मैं पहले बता देता हूं, जैसे मैंने पहले बताया था, 120 का स्कोर आप डिपेंड होते देखोगे, आपको लगेगा 120 से बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, सारी टीम आपस में एक एक मैच खेलेगी। ये सिलेक्ट का आखिरी का 3 मैच का रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया, स्कोर उतना ही मिलेगा। इंडिया सबसे हैवी टीम रहेगी। दूसरे नंबर पर अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है, तो बांग्लादेश करेगी ही करेगी, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है बांग्लादेश, ठीक है। उनकी बॉलिंग्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। श्रीलंका की टीम अच्छी है, श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगी, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाएगी, बट आपको थाईलैंड से टक्कर मिल जाएगी। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि आजकल उनके कोई भी प्लेयर फॉर्म में नहीं है और उनकी बॉलिंग एक आधा दो प्लेयर पर वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा। चलिए आइए देख लेते हैं, 2-3 तो स्क्वाड है, मतलब 2-3 टीम का स्क्वाड है। देखिए पाकिस्तान, पहले अपन इंडिया की बात कर लेते हैं। मैक्स टू मैक्स आपको सारे प्लेयर्स के बारे में पता होगा, मैं प्लेयर की एनालिसिस करने तो नहीं बैठूंगा, ठीक है। सबके बारे में पहले भी बताया हुआ है। अभी ये बहुत बढ़िया फॉर्म में है रेणुका सिंह, बड़े बड़े प्लेयर को परेशान करिए। अभी इंग्लैंड को हाल ही में इन्होंने बीट किया है। राजेश्वरी गायकवाड़ वर्ल्ड की नंबर 1 मैं मानता हूँ, लेफ्ट आर्म की स्पिनर है। स्नेहा राणा आपकी, पूजा पतस्कर, दीप्ति शर्मा, मेरे को कुछ बोलना नहीं है। ये पहले भी मैंने बताया, सबसे वीक लिंक इनकी है डायलाना हेमलता है। पता नहीं क्यों जमीमा रॉड्रिगस को ये लोग नहीं खिला रहे हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बस ये है कि इंडिया में आपको मैक्स टू मैक्स सारा मैच जीतने मिल जाएगी, बहुत मुश्किल से कोई मैच इंडिया हारेगी। अब देखते हैं हमारे पास किसका किसका स्क्वाड है। 3-4 टीम का शायद स्क्वाड है, हाँ बस मलेशिया का है। मलेशिया के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानता उतना। आइए बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका का स्क्वाड है हमारे पास, सब कुछ डिपेंड होगा चमारी अट्टापट्टू पे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने अपने टेलीग्राम पे लिखा भी है कौन कौन प्लेयर आपको अच्छा प्रदर्शन कर से देख सकते हैं। वो शाडी राणा सिंगा, इनोका रनवीरा, इनकी लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, दोनों टॉप की स्पिनर है। मैं पहले बता देता हूँ, 100-110 रन भी श्रीलंका बना लेगी तो डिफेंड करते मिलेगी। पाकिस्तान श्रीलंका से अच्छी टीम है क्योंकि इन्होंने हाल ही में उनको हराया है, बट अब ये मैच बांग्लादेश में हो रहा है तो दोनों न्यूट्रल हो गया, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो ये टीम क्वालिफाई कर जाएगी, श्रीलंका पे मैं बता सकता हूँ क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी विकेट कीपर अच्छी बैट्समैन है, हर्षिता माधवी अच्छी बैटिंग कर रही है, नीनाक्षी बिश्नोई भी विकेट कीपर है कहीं ना कहीं, वो अच्छी बैटिंग करती है, ठीक है। अब आती है हसनी परेरा, वो भी अच्छी बैटिंग करती है, ये ऑलराउंडर नहीं है। हसनी परेरा बॉलिंग में नहीं करेगी, वो बंदा लिखा है, उसने देखा होगा कोई क्रिकेट वगैरह पे, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। हविशा दिलहारी इनकी ऑफ स्पिनर है, ऑलराउंडर है, अच्छी बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है। सुगंधिका कुमारी लेफ्ट आर्म की स्पिनर है जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है। और अचिनी कुलासरिया मीडियम पेसर बॉलर है, ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेती है नीचे में। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कुछ नए प्लेयर आए हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, ठीक है। इन सबको मैंने नहीं देखा है कभी, 1, 2, 3 ये कौन है मैं नहीं जानता, ये चौथी टीम कौन है, क्योंकि हाल ही में इनका टीम का काफ़ी प्रदर्शन खराब था तो इन्होंने हटा दिया होगा, और इसको भी मैं नहीं जानता, ठीक है। ये सारे इधर उधर के प्लेयर हैं, बाकी टीम स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। लेफ्ट आर्म की स्पिनर इनके पास अच्छी है, और इनके पास एक ऑफ स्पिनर काफ़ी अच्छी है ऑलराउंडर आपकी चमारी अट्टापट्टू, और बाकी 2-3 अच्छे बैट्समैन हैं जो कि आपको मैच विन करते दिखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान वुमेंस के, फटाफट बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बोला था, तुबा हसन इनकी, ये बंदे ने कहाँ से उठाया मेरे को नहीं मालूम, ये बॉलर है, तुबा हसन बॉलर है, सबसे टॉप की बॉलर है, इनकी लेग स्पिनर है, और ये मैच चेंज करते देंगे जैसे आयरलैंड में इन्होंने किया था। बाकी आलिया रियाज ऑलराउंडर हैं, इनका प्रदर्शन आजकल अच्छा नहीं है, और ये सब जो है बहुत स्लो खेलती है। मुनीबा अली लोग का प्रॉब्लम क्या है, 10-10, 20-20 बॉल पर 2-2, 3-3 रन बनाती है। बिस्मा मारूफ का भी वही प्रॉब्लम है, लेफ्टी है। और इसके अलावा नीरा डार इनकी मेन प्लेयर है, उमाइमा सोहेल भी मेन प्लेयर है, उसके अलावा इनकी आयशा नसीम बैट्समैन है, हिट करके खेलती हैं, सबको आप हटा दीजिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टीम ठीक ठाक है, बस इससे कुछ खास नहीं है। मेनली इनकी जो
कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो निराधार पे ही डिपेंड करेगी इसकी पूरी टीम, और इसके अलावा टुबा हसन बॉलिंग में, और कहीं ना कहीं मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का ही होना चाहिए। मलेशिया यूएई में 100% कोई क्वालिफाई नहीं करेगा, टॉप फोर में नहीं रहेगा। आपस में जो इनका मैच होगा वही एक तगड़ा होगा, बहुत मुश्किल से यूएई हो सकता है एक आधा मैच में प्रदर्शन करके दे सके, और बाकी थाईलैंड आपको उलटफेर करते मिलेगी पूरे टूर्नामेंट में। थाईलैंड अच्छी टीम है, वो हरा सकती हैं बड़ी बड़ी टीमों को भी। ठीक है, तो यही है, पूरे टूर्नामेंट में आपको मज़ा आएगा और मेरे हिसाब से अच्छा खासा मतलब आपको मिल जाएगा ये सारा मैच। लास्ट टाइम जो टूर्नामेंट हुआ था नहीं मिल रहा था सही से, ये मिल जाएगा, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये आपको मैचेस मिल जाएंगे। और बाकी मेरी तरफ से पूरी हेल्प रहेगी, मैंने आपको ओवरऑल मोटा मोटा बता दिया क्या होने वाला है ये पूरे टूर्नामेंट में। इंडिया आपको सारा मैच जीतते मिलेगी, और जो तीन टीमें हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बराबर की टीमें हैं, मतलब टॉप आप बोल सकते हो सब बराबर की टीम है, तो मैच बहुत तगड़े होने वाले हैं पहले से मैं बता दे रहा हूँ। और बाकी जो तीन टीम है उसमें मलेशिया यूएई से आप कुछ उम्मीद मत कीजिएगा, थाईलैंड से उम्मीद होगी, थाईलैंड हो सकता है क्वालिफाई कर जाए अगर ये एक दो उलटफेर कर देती है तो, क्योंकि थाईलैंड में कुछ बड़े प्लेयर्स अभी मैंने हाल ही में देखे अच्छा खेल रहे थे। ठीक है, चलिए और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सारे मैच आपको स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव मिल जाएंगे। अभी के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ।